फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी बहुत सी वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाली हैं तो अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने आप को बिल्कुल एक अनसुलझी पहेली की तरह प्रेजेंट करिए ताकि वो आपको सुलझाते ही रहे और आप में ही खोकर रह जाएं। लेकिन आपको कुछ चीजों को उनसे छुपाने की भी जरूरत होती है और कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। चलिए आज जानते हैं उन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहला राज जो आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए जब तक आप श्योर ना हो, वो है आपके प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में। आपके पहले किसी के साथ संबंध थे या नहीं थे, ये सारी चीजें आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ तभी शेयर करनी चाहिए जब आप पूरे तरीके से श्योर हो। इसी के साथ साथ कभी कभी जब हम नए नए प्यार में पड़ते हैं तो हमें अपने प्यार के पीछे पीछे भागने की आदत होती है और इसी चक्कर में हम कई बार गलती कर बैठते हैं, कई बार चुपके से उनका फोन उठाकर चेक करने लगते हैं तो कई बार उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब हम श्योर हो जाते हैं तो हम अपनी ही गलतियों पर काफी पछताते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो इन गलतियों को चाहकर भी अपने बॉयफ्रेंड के सामने डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका इंप्रेशन काफी खराब हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप उनके फैमिली फंक्शन को अटेंड नहीं करना चाहती हैं तो आपको उन्हें डायरेक्टली मना नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो किसी और चीज का बहाना लगाकर ऑफिस की जरूरी मीटिंग कहकर भी इस चीज को थोड़ा सा डिले कर सकती हैं ताकि आप उनके फैमिली फंक्शन को भी अटेंड न कर सके और आपके साथ उनका रिलेशनशिप भी ना बिगड़े। सो दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में जरूर रखिए ताकि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने सारे राजों को डिस्क्लोज किए बिना ही अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सके। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।